हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि अगल बगल घर बन रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आएंगी, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। आप लोग तो समझते ही हो ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है हम सभी फीमेल्स मेल्स सभी के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा होममेड रेमेडी बोलूँगी कि वो आपके स्किन को ना सिर्फ ग्लोई बनाएगा, ना सिर्फ स्पॉटलेस बनाएगा, मतलब वो आपके स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। और जो भी चीज़ में, जो भी इस DIY में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको घर में मिल जाएंगे, बाहर से नहीं लेनी होंगी। और आपको पता है कि मैं जो भी चीज़ें बताती हूँ वो होममेड चीज़ें ही बताती हूँ जो आपको घर में ही मिल जाए। अगर एक दो चीज़ें बाहर से लेनी भी पड़ती है तो कोई बात नहीं है, स्किन के लिए थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। तो जो रेमेडी है उससे आपके जो पिंपल स्पॉट्स होते हैं, जो चिकन पॉक्स के स्पॉट्स होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। DIY एकदम से कुछ नहीं करता, उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ फर्स्ट यूज़ में ही आपको उसका पता चल जाता है कि हाँ वो कितना काम करेगा या नहीं करेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा। जैसे मैं इस चीज़ को बता रही हूँ, इस पैक को लगाने को बनाने को बता रही हूँ, वैसे ही आपको करना है तो ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। और आपको देख सकते हैं कि मेरे स्किन में किसी भी तरह के कोई डार्क स्पॉट्स नहीं है, और ये मेरी मेकअप स्किन बिल्कुल नहीं है। मेकअप के नाम पे ये लिपस्टिक है, काजल है एंड आईब्रो पेंसिल है, क्योंकि मेरी आईब्रो पे कट मार्क है तो मुझे आईब्रो पेंसिल यूज़ करनी होती है। तो यही तीन चीज़ें, मतलब ये तीन चीज़ें ही मेकअप के नाम पे मैं यूज़ करती हूँ। अगर आप इसको बोलोगे कि मेकअप स्किन, तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैं मेकअप करके बैठ जाती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, जिस दिन मैं मेकअप करती हूँ उस दिन वो आपको अलग ही दिखेगा कि हाँ मैंने मेकअप किया है। क्योंकि मैं मेकअप क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा मेरा मुँह चाटता है, इसलिए मैं मेकअप नहीं करती हूँ। उसको पेट में अगर मेकअप जाए तो वो अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं मेकअप बिल्कुल नहीं करती हूँ। ये मेरी ओरिजिनल स्किन है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, जो ये रेमेडी है वो इसलिए भी इतना इफ़ेक्टिव है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि छोटे बच्चों की जो मम्मियाँ होती है उनको प्रॉपर नींद कभी नहीं मिलती है, और उनको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है। तो आप यहाँ पर देखो, मेरे को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम थोड़े थोड़े से यहाँ पर दिखेंगे आपको, लेकिन ज़्यादा नहीं है। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम एक्चुअली मुझे ज़्यादा नहीं है, हालांकि मेरी नींद कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं हमेशा आप सभी से यही कहूँगी कि DIY चीज़ों पे भरोसा रखो, चीज़ें यूज़ मतलब और भी बाहर के भी प्रोडक्ट यूज़ करो, ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो ख़राब होते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन DIY चीज़ें पे भरोसा रखो क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ आपको वो अपने ऊपर यूज़ करके दिखाती हूँ। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो पहले मुझे होगा, फिर आपको, मेरे को होगा तो ऑफकोर्स मैं आपको बताऊंगी ही नहीं। और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो उस चीज़ को एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लेना, और फिर आप उस रेमेडी को यूज़ करना। चाहे आप मेरा चैनल देख रहे हो या किसी का भी, DIY चीज़ों को यूज़ करने से पहले एक बार यहाँ पे पैच टेस्ट जरूर कर लेना, ठीक है? तो उसमें जो भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इसको मुझे यूज़ करना है या नहीं फेस पे, ठीक है? चलिए बहुत बातें कर लिया, और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि कभी थोड़ा बहुत बातें करना भी ज़रूरी होता है। तो बहुत बातें कर ली, लेकिन आप लोग क्या कर लेना, चैनल का सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन जरूर दबा लेना ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहें। और हाँ, बेल बटन दबाने के बाद ऑल ऑप्शन पर भी क्लिक कर लेना ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिले। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना यार। आप लोग देखते हो, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते तो शेयर भी कर देना। तो इसके लिए चाहिए हमें कस्तूरी हल्दी, आप नॉर्मल भी हल्दी ले सकते हो, और इसके बाद चाहिए हमें नमक, रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। दूध हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब लेना है हमें खाली बॉल, इसमें आपको डालना है सबसे पहले नमक। नमक सिर्फ खाया नहीं जाता है, स्किन के लिए भी यूज़ होता है। नमक एक बहुत अच्छा क्लिंजर स्क्रबर होता है जो हमारी स्किन से सारे डेड सेल को रिमूव करता है, हमारी स्किन को वाटरी टाइप का दिखाने में काफ़ी हेल्प करता है, लाइक ग्लास स्किन जो जिसको बोलते हैं उस टाइप का दिखाने में हेल्प करता है।
अब चाहिए हमें कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 चम्मच। ये भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि पिंपल स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पर ध्यान रहे, अगर आपके पास पिंपल्स है आपके स्किन पे, तो आप नमक यूज़ नहीं कर सकते, आप जस्ट दूध एंड हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमें लेना है 2 चम्मच रॉ मिल्क। रॉ मिल्क बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, क्योंकि इसमें होता है लैक्टिक एसिड, जो हमारे स्किन को क्लीन करने में काफ़ी हेल्प करता है। ये नेचुरल क्लींजर की तरह हमारे स्किन में काम करता है। टैन रिमूवल भी है ये, और ये एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र भी है। तो इन सब को अच्छे से क्लीन करके मिक्स करके और अच्छे से मिक्स करना है हमको, और तब तक मिक्स करना है जब तक कि नमक जो है वो अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए, मतलब पूरे अच्छे से मेल्ट हो जाती है इसके अंदर। नमक हमेशा अच्छी क्वालिटी की लेना है। बेटर होगा कि अगर आप सेंधा नमक लो तो अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हो। अब यहाँ पे मेरा जो स्किन है, आप देख सकते हो काफ़ी टैन लग रहा है, मेरी फोरहेड काफ़ी टैन है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड आए हुए थे, और इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो अपनी स्किन का भी कोई ध्यान नहीं दे पाई थी। तो अभी मैंने अपना स्किन फेस वॉश से वॉश कर लिया है। अब मुझे करना है क्या कि मैं जो रॉ मिल्क है उसको एक कॉटन के थ्रू अपने फेस को क्लीन करूँगी, कि जो भी मेरे स्किन पे कुछ भी अगर बाकी गंदगी रह गई है, डर्ट रह गया है, वो ये रॉ मिल्क से निकल जाए। तो ये अच्छे से मैं अपने स्किन को क्लीन करने लगी हूँ, और आप अच्छे से आप क्लीन कर लो जैसे आप बेटर समझो। और हमेशा हल्के हाथों का ही यूज़ करना है आपको, आपको ज़्यादा हाथ को प्रेशर नहीं देना है। हमारी स्किन को, हमारी जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो हल्का हाथ से काम करना काफ़ी अच्छा होता है। और अब मैंने यहाँ पे पूरी स्किन क्लीन कर ली है। अब मैं इसी स्किन पे ये जो मैंने पैक बनाया है, या स्क्रब जो भी आप बोल सकते हो, ये DIY को यूज़ करूँगी। अब मैं इसे एक पैक की तरह लगा रही हूँ, और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना है। मैंने हमेशा बताया है कि पैक को हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना चाहिए, यानी कि नीचे से ऊपर, ताकि जो हमारी स्किन है उसमें रिंकल्स ना आए, और बीच बीच में मेरे बच्चे की आवाज़ भी आएगी तो उसको भी इंजॉय करना आप। तो ये अच्छे से मैंने फेस पे लगा लिया है, और इसको मैं 20 मिनट अपने फेस पे छोड़ूंगी। और आप देख सकते हो कि मैंने नेक पे भी लगाया है। आप लोग ये मत सोचना कि नमक को फेस पे नहीं लगाते हैं, नमक को फेस पे लगाने से तो ऐसा कुछ नहीं है, नमक हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। अब इसे 20 मिनट के बाद मैंने इसको, जब ये सूख गया है, तो थोड़ा सा गीले हाथों से मैं इसको स्क्रब कर रही हूँ हल्के हाथों से, क्योंकि मैंने इसमें नमक मिलाया है। तो नमक का जो नमक एक नेचुरल स्क्रबर की तरह हमारे स्किन पे काम करेगा, और नमक काफ़ी अच्छे से डेड सेल को रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो मैं अच्छे से इसको मसाज करके उसके बाद, तो आप लोगों ने देखा कि कितना अच्छा DIY है, कितनी अच्छी रेमेडी है। एक्चुअली ये रेमेडी मैं रोज़ रात को यूज़ करती हूँ, और यहाँ पे प्रॉपर आपको उस टाइम दिख नहीं रही होगी, इसलिए मैं ये कल रात को यूज़ की थी, और सुबह अभी जस्ट मतलब सुबह उठ के नहा के जस्ट अभी वीडियो बना रही हूँ, आप खुद से इंस्टेंट देख सकते हो। और चमक ऐसी है जैसे आपने यहाँ पे हाइलाइटर मैंने लगा रखा है, ऐसी चमक आ रही है। तो वीडियो में मैं जो भी दिखाई हूँ अपने ऊपर अप्लाई करके दिखाई हूँ, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ट्रस्ट मी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप हो सके तो पैच टेस्ट कर लेना अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो। इसमें मैंने कस्तूरी हल्दी का यूज़ किया है, आप चाहो तो नॉर्मल हल्दी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन कस्तूरी हल्दी फेस के लिए होती है। नॉर्मल हल्दी किचन की जो हल्दी होती है वो फेस के लिए नहीं होती है, इसलिए मैं कभी भी नहीं कहती कि किचन की हल्दी को यूज़ करो। और आपकी मर्जी है, आप टोटली आपके ऊपर है। आपको अगर कस्तूरी हल्दी एक बार में ले लोगे तो अच्छा है, आप अपने लोकल मार्केट में सर्च कर सकते हो, या फिर मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देख सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा प्यार आप मुझे दीजिए। बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।